Please subscribe to my channel and hit the bell icon for my latest art posts. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पोर्ट्रेट को बनाने की केवल ऑब्जर्वेशन मेथड से, और उसमें दो तीन मेजरमेंट्स लेकर के आप कैसे एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ, बहुत ही हल्के। ये लाइन मेरे लिए एक रेफरेंस लाइन का काम करेगी। अब उसके बाद देखिए, मैं केवल कुछ मेज़रमेंट्स लूँगा इस फ़ोटो से और इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने आइस की मेजरमेंट ली और आइस के पॉइंट्स को मार्क कर लिया। ऐसे वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं फ्रेंड्स, और ये किसी सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि ऐसे और भी वीडियोज़ बनाएँ, तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इस टेक्निक को यूज़ करके आप कोई भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, अब मैंने आईज से ईयर्स तक के लिए डायमेंशन को भी इसी लाइन के ऊपर काट लिया, तो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने ये सारे मेजरमेंट्स ले लिए। इसी तरह से सेकंड आई को भी ऐसे ही मैंने मेजर कर लिया उसी पहले ड्रॉन पॉइंट से। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल से कैसे ड्रॉ करें, तो अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मोबाइल से ना ड्रॉ करें, क्योंकि और वो भी ख़ासकर अगर आपको आउटलाइंस ड्रॉ करनी है। अगर शेडिंग्स ड्रॉ करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आउटलाइंस ड्रॉ करनी है तो कुछ लोग मोबाइल से ड्रॉ करके भी दिखा रहे हैं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कहने को कहा जाता है कि हाँ मोबाइल से ड्रॉ कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन से, बट एक्चुअली वो मोबाइल से ड्रॉ नहीं हो रहा होता है। उसको पहले आउटलाइंस पहले ही ड्रॉ कर ली जाती हैं, उसके बाद केवल शेडिंग वगैरह उससे प्रॉपर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मोबाइल से मत ड्रॉ करिए, आप उसका प्रिंट ले लीजिए, और प्रिंट आप ले सकते हैं बहुत आसानी से कहीं से भी मार्केट से, और प्रिंट लेके ड्रॉ कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आपने एक्चुअली ड्रॉ क्या करना है। क्योंकि मोबाइल में तो आप उसकी स्क्रीन को ही बड़ा करते रहेंगे, छोटा करते रहेंगे, और ऑब्जर्वेशन से तो ड्रॉ नहीं कर सकते। आप ट्राई भी करके देख लीजिएगा अगर आपको इस पे डाउट लगे तो, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट कि आप मोबाइल में उसको स्क्रीन को बड़ा कर रहे हैं और फिर वो डल हो रहा है, या फिर जब आप बड़ा कर रहे हैं उसको तो केवल एक ही पोर्शन दिख रहा है, जैसे आईज़ दिख रही हैं खाली, तो आपने उस आई को ड्रॉ किया और फिर लेफ़्ट आई को फिर तरफ उस तरफ मूव किया इमेज को। तो इस तरह से आप कभी भी एक पोर्ट्रेट बनाना नहीं सीख पाएंगे। हाँ, कि कॉपी पेस्ट करने में आसानी आपको मिल जाएगी, लेकिन ख़ासकर जैसे एक पोर्ट्रेट को पूरा ड्रॉ करना है किसी फेस को, तो वो बहुत मुश्किल होता है उससे ड्रॉ करना। अगर आप एक बार प्रैक्टिस्ड हो जाएँ ये पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करने का, तो फिर आप मोबाइल से क्या किसी भी चीज़ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल से ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है, उसमें फिर आप ग्रिड मेथड को यूज़ कीजिए, वो बेस्ट है फिर वहाँ के लिए। अगर मोबाइल से आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्रिड मेथड से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन से केवल ड्रॉ करना है तो फिर उसमें आपको अच्छी स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वैसा ना करें, क्योंकि आपको रिजल्ट्स मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए आप प्रिंट ले लें और प्रिंट से ड्रॉ कीजिए, क्योंकि जब सिखाते हैं फ्रेंड्स कॉलेजेस में भी, तो वहाँ प्रिंट लेकर के या फिर लाइव ह्यूमन को बैठा करके ही सिखाते हैं, कहीं पर भी मोबाइल से ड्रॉ करना नहीं सिखाया जाता, क्योंकि वो एथिकल भी नहीं है और रिजल्ट्स भी उसमें अच्छे नहीं आते। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रिंट ले लें या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको ऑब्जेक्ट को रख लें, वहाँ से ड्रॉ करें, उसे आप बेटर सीख पाएंगे। हाँ, अगर ग्रिड मेथड से आपको ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू भी।
या फिर डिवाइडर से, प्रोपोर्शनल डिवाइडर से ड्रॉ करना है तो भी मोबाइल से कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन से मोबाइल से ड्रॉ करना एज अ बिगिनर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो उसको करके आप बेटर है अपना भी टाइम वेस्ट ना करें और कुछ लर्न भी नहीं कर पाएंगे आप उससे। जबकि मैं तो कहता हूँ कि आप मैगजीन्स वगैरह, अगर आप यूज़ टू हैं मैगजीन्स के, तो मैगजीन में इमेजेस जो आती हैं वो ड्रॉ कीजिए, न्यूज़पेपर के इमेजेस को ड्रॉ कीजिए जो सिमिलर साइज़ की हों, थोड़ी बड़ी हों, या अगर छोटी भी हों तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर पे ऊपर हैं, किसी पेपर पे हैं, तो उसको आप देख के समझ सकते हैं कि आपको कहाँ कितना प्रोपोर्शन काटना है, कितना प्रमोशन मिलाना है, तो उससे आप बेटर सीख पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पे, ये वीडियो मेरा अभी रियल टाइम में ही है और मैंने कोशिश की है कि इसको जितनी चीज़ आपको समझानी है वो एटलीस्ट रियल टाइम में हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप लाइन ड्रॉ करके उसको मैंने पेंसिल से ही मेजर कर करके अप्रोक्सीमेशन में पॉइंट्स मार्क कर लिए, और अब मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेथड इसलिए भी अच्छा है कि जहाँ पे आपको मान लीजिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करना है, लाइव किसी को बैठा के ड्रॉ करना है, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। वहाँ पे पेंसिल ही होती है आपके पास, जैसे आप कुछ मेजर कर सकते हैं, वो भी एक सर्टेन डिस्टेंस से मेजर करते हैं और उसको फिर ट्रांसफ़र करते हैं अपने ड्राइंग पे। तो इसलिए ये मेजरमेंट टेक्निक बहुत ही सक्सेसफुल है और आर्टिस्ट बहुत इसका यूज़ करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको जो इसमें बताया गया है वो समझ में आए। तो अभी देखिए, जब मैं फ्रेंड्स ड्रॉ कर रहा हूँ तो बहुत कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, अभी बहुत लाइटली ही ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये डायमेंशन सही है कि नहीं, और धीरे धीरे जब हम ड्रॉ करके आगे बढ़ेंगे तब हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि हाँ, मेरे मेजरमेंट्स और मेरा ऑब्जर्वेशन सही जा रहा है। आप चाहें तो सारे मेजरमेंट्स को भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कितने मेजरमेंट्स लेना चाहते हैं। ऐसे आईब्रो को भी आप मेजर कर सकते हैं आई की लाइन से ही ऊपर। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस्ड होते जाएंगे। जब आप कुछ बार इसको, जैसे कुछ, जैसे आपने 5-10 पोर्ट्रेट्स ऐसे बनाए, तो आप धीरे धीरे इसके प्रैक्टिस होते जाएंगे कि आई के ऊपर कितना ऊपर पे आईब्रो मिलेगा मेरे को, या फिर आईब्रो से फोरहेड टॉप कितना होगा, या फिर नोज़ का बॉटम किस हाइट पे होगा। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन में आती जाएगी और आप अपने को ट्रेन कर पाएंगे इस तरीके से। तो ये बेस्ट टेक्निक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप इससे लर्न कर पाएंगे बहुत कुछ। अब यहाँ देखिए, मैं फ्रेंड्स और भी करेक्शंस कर रहा हूँ और कंफर्म कर रहा हूँ अपने मेजरमेंट्स को। यहाँ आई के, आई का जो सेंटर होता है वो आईब्रो के बॉटम से नोज़ मिलता है, और आईब्रो के बॉटम से ही ऊपर फोरहेड टॉप, और सेम नोज़ के बॉटम से चिन का बॉटम मिलता है। जैसे मैंने पहले ही बताया है, आईज़ का सेंटर टू सेंटर, और उसको आप आईब्रो के बॉटम पे रखेंगे या मिडिल में रखेंगे तो आपको नोज़ का बॉटम मिल जाएगा, और सेम आप नोज़ के बॉटम से नीचे रखेंगे तो चिन का बॉटम मिल जाएगा, और उसी को अगर आप आईब्रो पे रखेंगे तो ऊपर फोरहेड का मिल जाएगा। ये एक जेनरिक फेस का मेजरमेंट है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी का एक जैसा हो, क्योंकि भगवान ने सबको एक अलग तरीके से बनाया है। तो लेकिन ये मोस्ट ऑफ़ द फेसेस में, जेनरिक फेसेस जो होते हैं या राइटली प्रोपोर्शन फेसेस जो होते हैं, उसमें ये चीज़ बहुत कॉमनली मिल जाती है। तो इसको आप थंब रूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी, और ये आपको एक्यूरेट ही मिलेगा हर जगह पे काफ़ी हद तक।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब जैसे चिन के बॉटम से मैं लिप्स को भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ, वैसे ही मेज़रमेंट्स लेकर के। तो फिर आपको भी यही करना है, आप बिगिनर हैं अगर तो फिर डेफिनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट लें। जब आप इसमें प्रैक्टिस हो जाएंगे तो फिर आपको बहुत कम मेजरमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि मुश्किल से 2 या 3। देखिए मैं भी अपने वैल्यूज़ को रिकन्फर्म कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसमें चेंजेस अभी कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने बहुत हल्का ड्रॉ कर रखा है। अगर इसी को हमने बहुत डार्क ड्रॉ किया होता तो फिर चेंजेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। लेकिन इसी तरह से मैंने ईयर्स को भी ड्रॉ कर लिया, और सेम मैंने फोरहेड के ऊपर ईयर्स वगैरह को भी मैं ऐसे ही कंफर्म करके ड्रॉ कर लेता हूँ। आउटलाइंस को भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ इसी तरीके से, ऑब्ज़र्व करके ही खाली। आउटलाइंस के लिए मैंने कोई मेजरमेंट नहीं लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप धीरे धीरे इसमें प्रैक्टिस हो जाएंगे तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आप एज अ बिगिनर डेफिनेटली ले सकते हैं, नोज के सेंटर से ले सकते हैं कि चीक्स कितने बाहर निकले हैं वहाँ से, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो अब यहाँ मैं थोड़ा सा इसको टाइम लैप्स कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है और फिर अपलोड करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा हो जाता है फ्रेंड्स। और शेडिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको शेडिंग किस तरह से करनी है मेरे अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। तो ये वीडियो तो बेसिकली हमको आउटलाइंस के बारे में फैमिलराइज़ करने का था, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, और ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ फिर से। तो शेडिंग में आप बेसिकली 4B और 6B पेंसिल को यूज़ कीजिए, आप बिल्कुल फ्रीली यूज़ कीजिए, बहुत डर के मत कीजिए। मैंने देखा काफ़ी लोग जब ड्रॉ करते हैं तो काफ़ी कम शेडिंग का यूज़ करते हैं, उनको डर लगता है कि कहीं शेडिंग ना ख़राब हो जाए, तो एकदम मिनिमम यूज़ करते हैं उसको। तो ऐसा मत कीजिए, पेंसिल को जितना हो सके उतना शेडिंग के लिए आप यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे ही आपके अच्छे लाइट एंड शेड्स का इफ़ेक्ट आएगा पोर्ट्रेट पर। और पोर्ट्रेट का पर्पस ही यही है, केवल आइज़, नोज़ और लिप्स ड्रॉ करना नहीं होता, आपको लाइट एंड शेड्स भी प्रॉपर देनी होती हैं, तभी आप एक अच्छे आर्टिस्ट कहलाते हो। तो लाइट एंड शेड्स डेफिनेटली दीजिए पेपर पे। देखिए मैं काफ़ी हद तक ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी शेड्स हैं उसको भी कुछ भी स्किप नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड ज़रूर ड्रॉ कीजिए फ्रेंड्स, बैकग्राउंड ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग बैकग्राउंड छोड़ देते हैं, उसको ज़रूर कीजिए, उससे एक अलग इम्प्रेशन आता है आपके ड्राइंग पे। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थैंक यू वंस अगेन।